जी वेलकम बैक टू जॉक जिंदगी शेफ शेफ महबूब तो है आज क्या हो रहा है बिल्कुल होता है नेचुरली चल रहा होता है प्रोसेस तो उसमें नेचुरली एक ही बात है डॉक्टर गुरु हमारे साथ आकर बैठ चुके हैं हमेशा की तरह वेरी जॉली वेरी वेरी हम्बल एंड वेरी हेल्पफुल है ना जी सुभैया सालेकुम क्या हाल है कैसे सुभैया सालेकुम कैसे हैं खैरियत से ठीक हैं बिल्कुल आप बताइए क्या हाल है बिल्कुल जी सुभैया आज रेसिपीज बन रही है बड़ी अच्छी बन रही है और जब से हमने देखने वालों को बताया है कि आप रंग गोरा करने की क्रीम जो है यहाँ पर बनाएंगे बेशुमार अफराद जो है हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस दिन के बारे में जब ये जो है बड़ा काम होने वाला है तो बिल्कुल बिल्कुल बस इंशाल्लाह अब थर्सडे जो आएगा तो हम बिल्कुल जो कमिंग थर्सडे है 9-10 मुहर्रम मतलब वेडनेसडे थर्सडे तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो थोड़े 2-3 दिन बड़े डिफरेंट है तो उसके बाद हम बिल्कुल शुरू करेंगे अच्छा और आज बड़ी सारी चीजें हमारी कॉल तो आती रहती है मगर मैंने बड़ी नेट से जाके बड़ा बहुत सारा निकाला है और उसमें बहुत सारे लोगों की फरमाइश आई बहुत सारा देखिए उसमें लोग हैं मतलब इमान खान का भी है और मलिक हनी का भी है और आरजू अहमद का भी है शहर का भी है और मदीने से भी है और बॉम्बे से भी है और इसके अलावा देखिए कोरिया से भी है पिशावर से भी है और ऑस्ट्रेलिया से भी है और ज्यादातर उमैर का भी है अब्दुल्ला का भी है और उन्होंने कहा कि एक तो वेट लूज करने की बात होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फेशियल वॉट्स जो मस्से होते हैं मौके उसकी बात भी है साथ साथ प्री मेच्योर ग्रेइंग यानी कि वक्त से पहले बाल सफेद हो रहे तो ये तमाम टॉपिक्स हम करते थे मगर आज बड़ी अच्छी चीजें बताएंगे और इंशाल्लाह जब बनाना शुरू करेंगे तो आप देखिएगा कितने अच्छे ऑयल्स हैं वो सब बनाएंगे अच्छा पहली चीज जी एक कॉलर होल पर मौजूद है और ये हमारी शायद मैं गेस्ट कर रही हूँ वही कॉलर है आपका सवाल मुझे याद है एक तो हमने स्किन टोन इवन करने के लिए और आपकी बहन को कान में खुश्की है उसके बारे में हमने बात करनी थी तो मेरे ख्याल से यही शुमाइला है दोबारा से उनसे बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसी हो आप बिल्कुल ठीक आप हमारी कल वाली शुमाइला है जी जी के लिए बहुत थैंक्स जी जी नहीं आपकी बातें मुझे आपके सवाल याद था बिल्कुल कि आज पूछना है वादा जो किया था कल लेकिन डॉक्टर खुरम से बात कर सकती हूँ जी जी सलाम शुमाइला कैसी आप जी शुमाइला कैसी आप ठीक ठाक है अल्लाह का शुक्र आप बताइए आपने ना कल तिल का बताया था लेकिन मेरे फेस में ना तिल नहीं है ना तिल है सिर्फ धब्बे 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 अच्छा ठीक है जी शुमाइला बिल्कुल जो क्रीम बताई थी ना उसकी स्पेलिंग जरा रिपीट कर दीजिएगा एक बार बिल्कुल और शुमाइला आपको मैं पीने का भी एक बड़ा अच्छा ड्रिंक बता रहा हूँ जो आपकी स्किन प्लीज पिलो बहुत स्लो बिल्कुल बेफिक्र है आप तो बड़े स्लो करते हैं बेफिक्र शुमाइला आपको क्रीम बड़ी अच्छी बता रहा हूँ जो आप खुद घर में बनाइएगा ठीक है बिल्कुल सही ओके थैंक यू शुमाइला इसीलिए वो मैंने डॉक्टर साहब को कल बोला था स्किन टोन इवन करने के लिए बिल्कुल अच्छा बहुत सिंपल था देखिए शुमाइला आपके लिए है और जिन लोगों की प्री मेच्योर ग्रेइंग है और स्किन पे धब्बे दाग आ रहे बहुत सिंपल था देखिए आजकल के मौसम के हिसाब से तकरीबन आप 5 से 6 ग्राम आप लीजिएगा जो नॉर्मल घर में मिलती है हरी सौंफ ठीक है सौंफ उसको अच्छी तरह से बिल्कुल क्रश कर लीजिएगा एक तो हम लोग कहते हैं कि जो चूल्हे पे भून लेते हैं वो वाली नहीं जो कच्ची प्योर सौंफ होती है वो आप तकरीबन 6 ग्राम लीजिएगा उसको अच्छी तरह से क्रश कर लीजिएगा उसको तकरीबन 1 शेर यानी 1 लीटर दूध में 1 शेर 1 लीटर ही होता है तकरीबन उसमें आप अच्छी तरह से 1 लीटर होता है शेफ एक सेर पहले होता है बेटर होता है ना हाँ होता है उसको अच्छी तरह से उसमें अच्छी तरह से बॉईल करें जब बॉईल होने लगे तो उसमें 1 टेबलस्पून आप गाय मतलब अच्छा जो खालिस घी होता है वो अच्छी तरह से डालिएगा और उसके साथ आप ऐड करेंगे थोड़ा सा पिंच खशखाश ठीक है इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से बना लें और एक बॉटल मिलेगी आपको बाजार में शरबत बनफशा ठीक है जो एक्सट्रैक्ट होता है शहतूत का और जितने भी लाल रंग के फ्रूट्स होते हैं उनका इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा और फ्रिज में रख दें रोजाना 1 कप पिए बिल्कुल ठीक है और इसके ऊपर मजीद बात करेंगे उनकी बहन का भी क्वेश्चन था उसके बारे में मगर फिलहाल आपके लिए कॉलर है सच से आपसे बात करना चाहते हैं जी हेलो वालेकुम जी सालेकुम डॉक्टर साहब मैं अब्दुल मुकीत बोल रहा हूँ सक्कर से अब्दुल मुकीत साहब कैसे हैं आप खैरियत से बिल्कुल ठीक मजे में लगा सक्कर की सर्दियाँ शुरू मैंने कोशिश की है डॉक्टर साहब आपको कॉन्टेक्ट करने की बता नहीं सकता तो बड़ी मुश्किलों से आज आपको मैंने पकड़ा है अरे नहीं आप खुश रहिए अब इंशाल्लाह आप पकड़ते रहेंगे और मैं आपको नहीं छोड़ूंगा जी सीरियसली मैंने मोबाइल की देना कॉल बटन देना खराब कर दिया कॉल कर करके नहीं नहीं ये पता है गॉक आपको नया मोबाइल ड्यूर बनता है सिर्फ आपको कॉल करने की वजह से मेरा मोबाइल खराब हो गया नहीं नहीं आपको गॉक मोबाइल देगा ये आपके बहुत
प्यार की इंतहा है ये बहुत अब्दुल्ला साहब का तो बस अब हमारे दिल में आपको क्या और इंतहा बताऊं, मैंने फेसबुक पर आपके अकाउंट में भी ज्वाइन किया है, उस दौर जिंदगी में भी मैंने इतने कमेंट्स कर दिए थे कि इतनी आपकी माशाल्लाह से फैन फॉलोइंग है कि मेरा तो दरिया में एक पत्थर फेंकने के बराबर। अरे नहीं नहीं, ये आपका प्यार है, इतनी मोहब्बत है अब्दुल्ला की, बड़ी बहुत प्यार की अब्दुल्ला को, तो बस अब अब्दुल्ला आप जो कहेंगे वही होगा। जी अब्दुल्ला, मुझे थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है जनाब, कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी मामूली सी है, मगर अगर आपकी जरूरत है बिल्कुल, अरे आप हुक्म करें जी बताइए। डॉक्टर साहब, पहले हम जो ना किसी और इलाके में रहते थे, वहाँ पर जो ना ये दरिया का पानी जो था ना वाटर सप्लाई वाला, जी जी जी, तो वो आता था, उससे हम स्किन जो ना बिल्कुल फ्रेश हो जाती थी, हर चीज जो ना बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होता था जी बिल्कुल, मगर अब वहाँ से हमने माइग्रेशन कर लिया है एक दूसरी जगह जहाँ पे जो ना जमीन का पानी आता है। अच्छा, कुएं का पानी आता है जी, जी तो वो पानी थोड़ा सा खराब है, खा रहा है थोड़ा। के जैसे ना जंग लग जाता है किसी चीज को, बाल्टी में पानी भर के जी बिल्कुल, एक घंटे के बाद देखें तो वो बाल्टी को जो ना बिल्कुल ही येलो कलर का पानी हो जाता बिल्कुल है, बिल्कुल समझ गया आपकी बात। अब मजबूरी वो इस्तेमाल करना पड़ता है, अब हम उससे फ्रेश हो जाते हैं, थोड़ा सा बाहर निकल ले तो सारी जो ना मट्टी मुंह के ऊपर, कलर वैसे ही डार्क होता जा रहा है दिन ब दिन, बिल्कुल कलर भी टैन हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल इतना डल हो गया कि मैं आपको बताऊँ कि मेरे जो पाँव के नाखून है ना वो येलो हो गए। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल समझ गया मैं जी, इसमें फंगल जमा हो गया जना, थोड़ा सा हम बाइक पे चले जाए तो जना सारी जना मट्टी जना मुंह पे लग जाती है, बिल्कुल समझ गया, जैसे मैं मट्टी में खेल गया हूँ, बिल्कुल समझ गया आपकी बात, बिल्कुल ये बड़ा बिल्कुल समझ गया, स्किन बड़ी टैन हो जाती है, और बिल्कुल आप बेफिक्र हैं, मैं आपको इतनी जबरदस्त अब्दुल्ला साहब चीज बता रहा हूँ, आप खुद बनाएंगे, अम्मी से अम्मी की मदद के साथ खुद बनाएंगे, आप देखिए कितनी जल्दी, क्योंकि वहाँ सक्कर में सर्दी भी बड़ी शुरू है और ड्राई मौसम बहुत होता है, तो उसकी से आप देखिए कितनी जल्दी फर्क। और ये जो पानी बता रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है ये हार्ड वाटर है जिसमें बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम और पोटेशियम के बहुत ज्यादा सॉल्ट है, जिसकी वजह से आपको ये फर्क पड़ा बिल्कुल, क्योंकि दरिया का पानी, येलो नेल्स हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं एक दफा बहुत लास्ट ईयर मैं गया था तो सर्दियों में एक दोस्त के साथ जाम शुरू सब, तो उस दरिया का जो पानी होता है वो तो बड़ा प्योर होता है, वो तो बड़ा अच्छा होता है, ये जो है कुएं का वो डेफिनेटली उसमें सारा पोल्यूशन भी है वो सब कुछ। अब्दुल्ला साहब को बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूँ साहब, बिल्कुल ये आपके चेहरे के लिए, और आप देखिएगा चेहरे पे पूरी बॉडी पे लगाएंगे और फिर बालों के लिए बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर योर कॉल, आप लाइव इसका जवाब सुन लीजिए बिल्कुल, और मैं क्रीम की शक्ल भी दिखा रहा हूँ अब्दुल्ला, बिल्कुल सिंपल सा देखिए क्या करना है आपको, तकरीबन बेसिक क्रीम जैसे कि बहुत सारी, मैं आपको तीन चार नाम ले लेता हूँ बड़े अच्छे से, कि जैसे एक क्रीम आती है बहुत कॉमन है 21 के नाम से आती है, ठीक है, बड़ी कॉमन आराम से, या वैसलीन की होती है, ठीक है, वो बेसिक एक पूरा तकरीबन एक छोटा जार लीजिएगा इतनी क्वांटिटी में, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ इतनी क्वांटिटी में, पेट्रोलियम जेली नहीं नहीं क्रीम, बेसिक क्रीम, पेट्रोलियम जेली नहीं, मॉइस्चराइजिंग लोशन, मॉइस्चराइजिंग जैसे निविया का होता है या क्रीम 21 है या इवन वैसलीन की भी होती है, ठीक है, ये तमाम ये लोशन लीजिएगा, ठीक है, बेसिक क्रीम, ठीक है, उसके अंदर एड कीजिएगा तकरीबन एक चौथाई कप कॉड लिवर ऑयल, ठीक है, एक चौथाई कप 1/4 कप कॉड लिवर ऑयल, या फिर उसके अंदर ऐड करेंगे आप विटामिन ई के 15 कैप्सूल, ठीक है, विटामिन ई जो खाने के होते हैं 15 कैप्सूल, उसके साथ ऐड कीजिएगा 2 चमचे प्रिम रोज ऑयल। अच्छा सक्कर में इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है मगर दवाएं बहुत अवेलेबल है आराम से, क्योंकि वहां बहुत नॉर्दर्न सिंध का होता है, ठीक है, साथ में ऐड कीजिएगा उसके अंदर जैस्मीन ऑयल, ठीक है, और बहुत सारी क्वांटिटी में एलोवेरा यानी कि गेगुवार का रस, ठीक है, 1 कप, और ये मिला के आप अच्छी तरह से उसको मेल्ट करके चूल्हे पे ये देखिए बनाएंगे और फ्रिज में या इवन दालान में रख दें, ठंडी जगह आजकल मौसम बहुत अच्छा है, ये रोजाना आप मिक्स करके रखेंगे, ठीक है, इससे आप पूरी बॉडी की मसाज करेंगे, रात को सोते वक्त आप देखें हाथ पैर पूरी बॉडी आपकी बड़ी अच्छी रहेगी, और जब भी आप नहाने लगे ना तो नहाते हुए आप क्या करें एक बाल्टी में जो पानी लीजिएगा बालों के लिए तो उसमें 1 चमचा मीठा सोडा डालें, जितनी इम्प्योरिटीज जितनी उसके अंदर खराब चीजें वो नीचे बैठ जाएंगी इतना पानी वो छोड़ के बाकी पानी से आप नहाएं, और तेल आपको कौन सा करना है जी आप सरसों का तेल लीजिएगा, ठीक है, 1/2 किलो सरसों का तेल, उसके अंदर 1 चमचा आप ऐड करिएगा ब्लैक पेपर, ठीक है, 1 पूरी प्याज क्रश करके, और 1 ट्यूब डालिएगा बैक्यूटिन BAYCUTIN जो इन्फेक्शन के लिए भी होते हैं, ठीक है, वो मिला के आप बाल वो आप रख दें और हफ्ते में 3 दिन मालिश करें, और क्रीम में अब्दुल्ला को आखिरी जल्दी से नाखूनों की बता दो अब्दुल्ला, बड़ी सिंपल थी, फ्लॉगसिड FLOGOCID सुबह दोपहर नाखूनों पे लगाइएगा, और हमें फिर जल्दी से इतने प्यारी से कॉल कीजिएगा तकरीबन 10 से 12 दिन बाद, बिल्कुल जी बिल्कुल, और ये सवाल मैंने भी पढ़ा था कुछ ऐसे पहले, मगर वही बात उनकी ठीक है कि इतने क्वेश्चन आते हैं कि वो फिर नजरों में नहीं गुजरते, मिक्सअप हो जाते हैं और नए नए सवाल आ रहे होते हैं तो पुराने सवाल जो हैं वो निकल जाते हैं अच्छा इसके अलावा जो है शुमाइला के दूसरे सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, उनके कानों के अंदर जो अच्छा पहले बता दें कि ब्रेक का टाइम आ गया डायरेक्टर साहब।
जी ब्रेक का टाइम, ब्रेक का उसके बाद बताते हैं शुमाइला का फेस का भी और बहन का, और बहुत आराम है, बहुत आराम से स्लो स्लो चले शुमाइला। आप देखते रहे जॉग जिंदगी, शुमाइला नहीं, जो जो लोग जॉग जिंदगी देख रहे हैं वो देखते रहे। स्टे ट्यून्ड, आपसे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी डॉक्टर खुर्रम इन कबाबों की, यहाँ पे जो कटलेट्स बन रहे हैं, कि मैं यहाँ पर आ गई। आप भी खा सकें? क्यों नहीं खा सकूंगी नहीं हो सकता है ना, कभी कभार इंसान का दिल नहीं कर रहा होता, दिल कर रहा होता है फिर खा नहीं सक रहा होता है, एक अलग सिचुएशन होती है, इस पर बाद में गौर करेंगे, पहले डॉक्टर साहब की तरफ जाते हैं। शुमाइला के दोनों सवाल के जवाब जी बिल्कुल। अच्छा शुमाइला को मैंने कहा, शुमाइला देखिए बड़े आराम से, देखिए पहले आपको क्या करना है कि रोजाना एक ग्लास में, एक छोटे कप में नीम गर्म पानी लीजिएगा, उसके अंदर आप मीठा सोडा डालिएगा, ठीक है, और ये स्पंज होता है, ठीक है, ये स्पंज क्लिनजिंग स्पंज मैंने आपको कल भी बताया था, क्लिनजिंग स्पंज उसके डुबो के पूरे चेहरे की अच्छी तरह से हल्की तरह सफाई, ठीक है, पूरे चेहरे की अच्छी तरह स्पंज से अच्छी तरह से सफाई कीजिएगा। उसके बाद देखिए ये क्रीम आप खुद घर में बना सकती है, बड़ी सिंपल तरीके, देखिए ये जौ है, ओट मील जिसको कहते हैं, ठीक है, जौ है, ठीक है, साथ में विटामिन ई का मॉइस्चराइजिंग लोशन है, ठीक है, एक से दो टेबलस्पून आप लेंगे इसके अंदर आप मार्जरीन या मक्खन, ठीक है, और इसके साथ ऐड कीजिएगा जैस्मिन ऑयल और रोज वाटर ऐड कीजिएगा, ये मिला के आप पूरी क्रीम बनाएंगे। देखिए मैं आपको और क्लियर दिखा दूं, फिर आपको स्क्रब भी दिखाऊंगा, ये वाली क्रीम, ठीक है, ये क्रीम बनेगी सबसे पहले, सही, ये क्रीम जो होगी ये आप पूरे फेस पे रोजाना जहां जहां दाग धब्बे स्किन फट रही है, पूरी बॉडी फेस और बॉडी की क्रीम अलग होती है, मगर ये हमारी एक ही होगी, ठीक है, ये मिला के कीजिएगा और ये तो डेली करनी है और हफ्ते में एक दफा। देखिए ये स्क्रब है, इसमें क्या करना है आपको, तकरीबन आपको थोड़े से अगेन जौ लेने, ठीक है, उसके अंदर आप एक से दो टेबलस्पून खालिस शहद डालिएगा, ऐड कीजिएगा बहुत सारी क्वांटिटी में कैमोमाइल ऑयल, ठीक है, और उसके साथ ऐड कीजिएगा थोड़ा सा यानी कि आप जैसे कि बेंजोइक एसिड मिल जाएगा आपको, इतनी 8 से 10 कतरे मिला के उससे पूरी चेहरे की सफाई करें। अच्छा खाने के लिए क्या करना है कि एक टैबलेट आपको स्टार्ट करनी है जिसके अंदर जिनको GINGKO, ये आपको आराम से पूरे मुल्क में मिलेगी, इतनी टैबलेट होती है 30-40 होती है और शायद 200 रुपए तक की वो प्राइस होती है, वो आप रोजाना खाएंगी। अच्छा बहन के लिए क्या करना है, सोडा ग्लिसरीन इन एसेंशियल ऑयल, ठीक है, ये बनवाएंगी फार्मेसी से, कान के अंदर रोजाना रात को लगा के सोना है, ठीक है, और कान के लिए ये बड़ी अच्छी सी साथ में टैबलेट आप इस्तेमाल कीजिएगा, देखिए फॉर द टाइम बीइंग क्योंकि इन्फेक्शन भी है, वेल्कोडॉक सुबह शाम फॉर 5 डेज, ठीक है, और देखिए बिल्कुल कान का इंफेक्शन और ड्राइनेस सारी गायब, ठीक है। आपने डिटेल में जवाब दे दिया, देखने वालों को फौरन से बता दूंगी।